अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मीर अरमान। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है झेलम बंड की मस्जिद बिलाल से। और आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे आने का मेरा जो रीज़न है वो स्पेशल है। पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो यहाँ का डाला था जिसपे एक सब्सक्राइबर कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि आप यहाँ पे जाके प्रॉपर वीडियो शूट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आज आया हूँ जुमा नमाज़ अदा करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लोगों को ये दिखाना चाहूँ कि भाई मैं जुमा नमाज़ पढ़ने आया हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे मस्जिद बिलाल, यानी कि इसका जो किबले की तरफ से व्यू है। अभी मैं उस तरफ भी जाऊंगा और यहाँ क्या कुछ होता है, इसका अंदर का कैसा क्या स्ट्रक्चर है, वो सारा आपके साथ शेयर होगा, तो वीडियो में बने रहेगा। जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने बावजूद है कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक नस्ल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने धिक्कार दिया। इन्न शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। आज इंसान क्या कर रहा है, बच्चे माँ बाप के नाफरमान क्यों शैतान करा रहा है, शागिर्द उस्ताद के नाम क्यों शैतान करा, भाई भाई का दुश्मन क्यों शैतान करा। तो कुरान कह रहा है फला यगुरुन फला तगुरुनकुम हयात दुनिया वला यगुरुनकुम इन शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदु। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन तसव्वुर करो, इसको दुश्मन समझ कर इसके साथ बिहेव करो। लेकिन आज तू हमारा दोस्त बना हुआ, उसकी जरूरत किस चीज की। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया और जिस दीन के साथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, उस दीन की सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने के अंदर चंद मजलिसें करना और साल भर जैसा इंसान के मिजाज में आ रहा है, जैसा वो चाह रहा है, जैसी उसकी ख्वाहिश है, वैसी जिंदगी बसर कर रहा, ये काम का इंसान है, ये काम का इंसान। कभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये तो अभी टीचर को दे गुजरा है। मैं बहुत बड़ा सवाल एक बहुत बड़े मुफ्ती के सामने उन्होंने पेश किया था। उन्होंने कहा असल मसला क्या है कि यूरोप के अंदर जो अनार्की है, यूरोप के अंदर जो कोई सिस्टम नहीं रहा मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने का, तो अब वो बेचारे परेशान हुए। तो परेशान होने के बाद अब उन्होंने क्या क्या मुख्तलिफ देश खड़े, ये फादर्स डे है, ये मदर्स डे है, ये सिस्टर्स डे है, ये लेबर्स डे है, ये टीचर, अंदर की जो उनकी रूह है, वो जो प्यास प्यासी है, उसको पानी देने के लिए सामने उन्हें एक दिन। लेकिन मुसलमानों के यहाँ, इस्लाम के यहाँ ये चीज थी नहीं। मुसलमानों के यहाँ, इस्लाम के यहाँ ये था कि इमाम शाफी जैसा शख्स अपनी माँ के पांव को चूम रहा है, माँ मना करती है कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो, तो इमाम शाफी जैसा शख्स कहता है मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, अल-जन्नतु तहता अक्दामी उम्मात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, मैं अपनी जन्नत के दरवाजे को चूम रहा हूँ, मैं तुम्हारे पैर को नहीं चूम रहा हूँ। जिस बच्चे के अंदर माँ की ये मोहब्बत होगी, ये कदम होगी, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, उसको बदल उसने बनाने की जरूरत है, उसको फादर उसने बनाने की जरूरत है, उसको टीचर उसने बनाने की जरूरत है। मसला ये है कि वो असल में अपने लिमिट्स से क्रॉस कर गए हैं, इसलिए उनको रूहानियत का कोई तसव्वुर नहीं। लेकिन मुसलमानों के नाम मुजद्दद अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह का एक मुकाशफा इंट्यूशन है, वो कहते हैं कि मैंने कुरान को आलम कश्फ इंट्यूशन में देखा कि नूर का एक समंदर मुझे निकाला, समंदर ये नहीं कि छोटा सा समंदर,
छोटी एक छोटा एक नाला या छोटा एक नदी एक समंदर ओशियन को आप तसव्वुर कीजिए और फिर कुरान पाक को वो देख रहे हैं कि नूर का एक चमक हमारे घरों के अंदर है लेकिन हमारा कुरान के साथ क्या काम है। यही तो कुरान है कि जिसकी पहली आयत है कि कुरान बिस्म रब्बी कल लजी खलक खलक इंसान अभी नालक इसी ने तो इंकलाब बर्पा किया लेकिन उस कुरान के साथ इस उम्मत का क्या काम है। इंसानियत के ऊपर है उन एहसानात को शुमार करके इंसान के पास वक्त नहीं होना चाहिए कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले बन जाए इताअत करने वाले बन जाए। इताअत कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। इनसे कहो अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है फिर मुझे फॉलो करो। अल्लाह कहता मेरे हबीब अलैहिस्सलाम लोगों से कहो अगर तुम इस चीज का दावा करते हो तुम्हारे यहाँ अल्लाह की कोई कदर है अल्लाह का ताल्लुक है अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर है फिर मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो तब जाकर अल्लाह के यहाँ कोई मकाम होगा। अगर मोहम्मद अल्लाह के दरमियान नहीं है चाहे कौन सा भी रास्ता अल्लाह की तरफ तुम इख्तियार करो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं। इस्लाम को छोड़कर जो रास्ता इख्तियार करोगे अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है अल्लाह उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें जरूरत क्या कि भाई रबी अव्वल का महीना आ रहा है रबी अव्वल का महीना तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई ये है वो महीना जिसमें पूरी दुनिया को जगमगाया था लेकिन आज वो मुसलमान सोया हुआ है उस मुसलमान को जाग कर जिंदगी बसर करने की जरूरत है ताकि उसकी दुनिया की जिंदगी भी इत्मीनान की बसर हो और आखिरत की जिंदगी कामयाबी वाली जिंदगी बन जाए। अल्लाह तबारक तआला बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाओ और अल्लाह तबारक तआला उन बुनियादों पर खड़ा फरमाओ जिन बुनियादों पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को खड़ा किया। No.
सो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा हो चुकी है। मैं थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से मुझे बहुत ही पीछे जगह मिली है और मैं प्रॉपर तरीके से शूट कर नहीं पाया, यानी कि मैं नमाज का और जो खुतबा वगैरह होता है उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ ऐसी जगह पे पीछे था जहाँ से शूट करना मुमकिन नहीं था। तो फिर भी मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत बयान रिकॉर्ड करने की और उसके अलावा मैंने अज़ान आपको रिकॉर्ड करके बताई। तो बाकी आप इसका आर्किटेक्ट देख सकते हैं, पूरा वुडन बना हुआ है अंदर से, इसका जो भी स्ट्रक्चर है आपके सामने है बहुत ही आलीशान है। हालांकि इसमें कुछ काम भी चल रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है और इन्होंने इसको ढक के रखा हुआ है साइडों से, ये जो पॉलीथीन लगाया है टेप के साथ ताकि उस पर कोई धूल वगैरह ना जाए। तो बाकी इसमें जो कुछ भी है आप देख सकते हैं, इसके जो पिलर्स हैं चार बहुत ही शानदार माशाल्लाह। और गुंबद का व्यू उतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि इसके ऊपर पॉलीथीन रखा गया है, थोड़ा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है मस्जिद के अंदर। तो इंशाल्लाह कभी फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वक्त से पहले आऊँ और यहाँ पे प्रॉपर आपको मैं दिखाऊँ। इसके अलावा आप बाहर भी देख सकते हैं क्योंकि मस्जिद में उतनी ज़्यादा जगह तो रहती नहीं है। ये है इसका ग्राउंड फ्लोर और ये है बाहर का मंज़र। टेंट लगाया जाता है हर जुमा पे यहाँ और ये देख सकते हैं आप, लोग तो अभी निकल चुके हैं क्योंकि मैं थोड़ा अंदर शूट कर रहा था उसके चलते बाहर से लोग निकल गए। अभी मैं आपको इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ। ये है वज़ू खाने के लिए, यहाँ से नल वगैरह और यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे वॉशरूम। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड फ्लोर भी। ये रहता है ऐसा वज़ू खाना, यानी कि एबल्यूशन के लिए इस तरह का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये रहा जी ग्राउंड फ्लोर, यानी कि पहली जो मंजिल इसकी थी वो यही थी। बेसमेंट में ये है, थोड़ा अंडरग्राउंड जैसा दिख रहा है तो इसमें भी स्पेस है। और इसके अलावा ऊपर जहाँ पे मैंने नमाज अदा की है, और फिर भी इतने ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ के बाहर टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे भी पूरा फुल होता है, जो कि जहलम रिवर फ्रंट पार्क है इस तरफ से। तो मस्जिद बिलाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1:30 बजे जुमा नमाज अदा की जाती है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक यूनिक चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली वो ये कि जो जुमे की अज़ान और खुतबे की अज़ान होती है वो यहाँ पे तकरीबन एक साथ ही होती है। मींस के बयान होने के बाद जुमे की अज़ान दी जाती है और फिर 5 मिनट सुनते अदा करने के लिए दी जाती है और उसके फ़ौरन बाद खुतबे की अज़ान होती है। तो ये थोड़ा यूनिक यहाँ पर मुझे लगा, अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है, बाकी मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ी स्पेशल लगी। बाकी इसके अलावा आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ रेनोवेट हो रहा है। ये रहा जी हमारे सामने जहलम बंड और उस तरफ से राजबाग का रिवर फ्रंट और एक मस्जिद इस तरफ से भी आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी नमाज़ होना बाकी है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है वो वाली भी। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो वो भी कर दें। मिलते हैं फिर आपके साथ।